तीनों लड़कियों के साथ अलग परफॉर्मेंस देनी थी. सो आई एम श्योर राजीव यू विल गेट एन अवार्ड फॉर दैट. कि तीनों डिफरेंट इमोशंस कैसे होते हैं वो आप मूवी में देखेंगे. सर प्लीज सर एक्सप्लेन कीजिए उसको. और प्रोड्यूसर सब बैठे हैं यहाँ पे. इस फिल्म में बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं तो लास्ट जो चीज बाकी उसको थोड़ा सा क्या चीज. अनुराग मुझे लगा था कि ये सारे जो सवाल होते हैं जो यू नो दे पुश यू टू द कॉर्नर इज डन वेरी वेल बाय द प्रेस. आप तो हमें वो स्कोप ही नहीं छोड़ रहे हैं. यू आर आस्किंग अस एवरीथिंग पॉसिबल. मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं कि उनको मौका ना दूं ना. जो है यहीं निपटा लेते हैं ना हम लोग यार. ठीक है अभी तो ग्रिलिंग सेशन शुरू होगा मुझे मालूम है. बट हैविंग सेड दैट आई थिंक ट्रेलर देखने के बाद में आपको ऐसा कहीं नहीं लगा होगा दैट द फिल्म इज एक्चुअली these moments are dominating this trailer because film ki story itni kadak hai ki aap ek baar bhi nahi aapko lagega ki zabardasti dal. I think it's a very very interesting film and I hope you also find it equally interesting. Dekho yaar puchta hu to main puri raat puch sakta hu question kya hai. Fever se related hai lekin aap log bhi agar koi puchna chahe. यहीं बैठी है ये सवाल मत पूछना बाद में बताऊंगा. टेलीफोनिक इंटरव्यू. मेरी बीवी नहीं मेरे फादर इन लॉ भी बैठे हैं यहाँ पर. राजीव जी आप जनरली सस्पेंस और एक्शन जॉनर की फिल्में में ज़्यादा देखे जाते हैं तो इसकी कोई खास वजह है. खास वजह ये कि ये स्क्रिप्ट एक्साइट करती है मुझे. मुझे लगता है कि कुछ करने के लिए होगा यू नो दे समथिंग. और बाकी सारी जो टिपिकल फिल्में हैं मुझसे लगता है कि मुझसे कहीं ज़्यादा काफ़ी लोग कर रहे हैं. तो एक जॉनर है जो मुझे बहुत एक्साइट करता है हमेशा से. और मुझे लगता है कि मैं आई बी 100% इन देयर. और कभी डेलिब्रेटली नहीं सोचा था मैंने कि मैं इस तरह की फिल्में करूँगा. बट जब स्क्रिप्ट आती हैं तो पता नहीं क्यों इस तरह की फिल्म यू नो आर द फिल्म दैट रियली एक्साइट मी. सो एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग अ गुड जॉब आई थिंक. आप टेलीविजन पे भी काफ़ी काम कर चुके हैं कर रहे हैं तो आप ज़्यादा किसके तरफ तवज्जो करना चाहेंगे आगे. मैं प्रोजेक्ट्स देखता हूँ. मैं मीडियम को नहीं देखता हूँ. मुझे अगर प्रोजेक्ट एक्साइट करता है तो मैं वो प्रोजेक्ट ले लेता हूँ चाहे वो टेलीविजन हो चाहे वो फिल्म हो. थिएटर में कुछ एक्साइट करेगा तो मैं वो भी करूँगा. बट आई थिंक मोस्टली आई पिक अप प्रोजेक्ट्स व्हिच रियली एक्साइट मी. आई डोंट रियली लुक एट द मीडिया. तो अगर आप देखेंगे कि मैंने जो जितना भी काम किया है कभी यहाँ कभी वहाँ तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट. इट्स हाउ मच यू रीच आउट टू पीपल. राजीव अभी सोहेल खान ने कहा कि पहलाज अंकल का डर है तो कितना आपको डर लग रहा है इस सेंसर को लेकर या सीबीएफसी को लेकर. हमें कोई डर नहीं है. उन्होंने सब काम कर दिया हमारे लिए.